हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं शाहनूर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल DIY एक्वारिस्ट। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप इजीली अपने एक्वेरियम के लिए एक बायोलॉजिकल कम मैकेनिकल फिल्टर बना सकते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए हुए लाल बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। इस फिल्टर को बनाने के लिए आपको चाहिए इस तरह का एक प्लास्टिक कंटेनर। इस कंटेनर का डायमेंशन है 3 इंच इधर से इधर 3 इंच और हाइट है 7 इंच। और एक प्लास्टिक पाइप चाहिए, इस तरह का एक प्लास्टिक पाइप चाहिए आपको। इस तरह हार्डी पाइप के बदले अगर आप इस तरह का फ्लेक्सिबल पाइप भी आपके पास है तो भी काम चल जाएगा। और एक फानेल, अब ये जो फानेल है ये ऑयल को निकालने के लिए यूज़ होता है। ऑक्सीजन का जो प्लास्टिक पाइप होता है, पाइप चाहिए। एक एयर स्टोन चाहिए और फिल्टरिंग मीडिया। फिल्टरिंग मीडिया के लिए हम इस तरह का एक सोप का जो स्क्रब होता है प्लास्टिक का, ये यूज़ करूँगा। सिंथेटिक कॉटन मैं यूज़ करूँगा और सिरेमिक रिंग और एक्टिवेटेड कार्बन को मैं फिल्टरिंग मीडिया के लिए यूज़ करूँगा। पहले मैं जो कंटेनर का जो कैप था, इस कैप में मैं इस तरह का कुछ देखिए उस तरह का कुछ मार्किंग कर रखा है पहले से। एक्चुअली क्या होगा, जो पाइप मैं यूज़ करूँगा इस पाइप के साइज़ का एक होल यहाँ बनाना पड़ेगा। तो चलिए होल को बनाते हैं। इस होल को बनाने के लिए मैं एक सोल्डरिंग आयरन को यूज़ कर रहा हूँ। इस सोल्डरिंग आयरन से मैं इस होल को बनाऊँगा। इस होल को कैप के मिडिल में होना चाहिए और इसका जो साइज़ होगा वो जो पाइप आप यूज़ करेंगे उस पाइप के साइज़ का होगा। ये बन गया, ये होल बन गया है। अभी इसके साइड में थोड़ा सा छोटा छोटा होल करना पड़ेगा। अब देखिए इस तरह का कुछ होल हमने बना लिया है इसमें। फिर जो मेरा फानेल है, इस फानेल का एक हिस्सा आप देख रहे हैं, जो नीचे का हिस्सा होता है थोड़ा बड़ा होता है। मैंने इस हिस्से को काट के हटा दिया है और अभी जो ये वाला हिस्सा है, ये जो साइड में होता है, इसको भी मैं हटा दूंगा। फिर इस फानेल का ये जो साइड होता है, इस साइड में मैं कुछ छोटा छोटा होल कर दूंगा। अब देख पा रहे हैं इस तरह से कुछ होल हमने बना लिए इसमें।
फिर मैंने इस पाइप को इस फानल के अंदर फिट करना है। फिट करने के लिए मैं सिलिकॉन ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ। देखिए कैसे सेट होता है। थोड़ा ग्लू या लगा देंगे हम। फिर इस पाइप को इसमें टाइट से सेट कर देंगे। टाइट करने के समय ख्याल रखना चाहिए ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन में हो। इस तरह से फिट करना है। अब जो पाइप लिया था ऑक्सीजन के लिए, इस पाइप को इसके अंदर से इस तरह से इसके अंदर से देना है और इसके एंड में एक एयर स्टोन सेट करना है। अब देखिए मेरा जो फिल्टर है वो रेडी हो गया, लगभग रेडी हो गया। बाकी है तो सिर्फ फिल्टरिंग मीडिया डालने को। तो देखिए कैसे मैं फिल्टरिंग मीडिया इसमें डालता हूँ। ये देखिए इस तरह से इसको इसके अंदर सेट कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से सेट होगा, पूरा सेट हो गया। अब फिल्टरिंग मीडिया, पहले मैं एक्टिवेटेड कार्बन को डालूंगा नीचे में। ये देखिए एक्टिवेटेड कार्बन, इसको मैं नीचे डाल रहा हूँ। फिर मैं इसमें डालूंगा सीरामिक रिंग। ये जो एक्टिवेटेड कार्बन और सिरेमिक रिंग है, ये सभी मैंने ऑनलाइन अमेज़न से परचेस किया है। ये कंप्लीट हो गया सिरेमिक रिंग। देखिए ये बायोलॉजिकल फिल्टरेशन के लिए मीडिया होगा। फिर मैं डालूंगा मैकेनिकल फिल्टरेशन की मीडिया। इसके लिए मैं यूज़ करूंगा पहले सिंथेटिक कॉटन को। इसके बाद मैं ये जो प्लास्टिक का सोप का जो स्क्रब है इसको यूज़ करूंगा इसके अंदर इस तरह से। मैं इसके अंदर सेट कर दूंगा। ये मेरा फिल्टर रेडी। अब कैप को इसके अंदर से घुमा के बस सेट कर दीजिए, आपका फिल्टर रेडी। इस फिल्टर को अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं एक न्यू टैंक सेटअप कर रहा हूँ मेरा टिन फॉइल बार्फ के लिए, उसका साइकिलिंग प्रोसेस चल रहा है। उस टैंक में मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। कैसे यूज़ कर रहा हूँ इसको दिखाऊंगा।
अभी इस फिल्टर को एयर पंप के साथ हम जोड़ देंगे और वे फिल्टर एक्टिवेट हो जाएगा। और एक बात, अगर आप थोड़ा बड़ा टैंक यूज़ कर रहे हैं तो यह एयर स्टोन की जगह आप इस तरह का जो छोटा छोटा जो पावर फिल्टर होता है उसका जो पावर हेड है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये पाइप को हटा के इसके अंदर ये इस तरह से आप इस पावर फिल्टर को सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैं इस पावर फिल्टर को पावर हेड को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं एयर पंप से ही काम चला लूँगा। तो चलिए देखते हैं कैसे मेरा फिल्टर काम करता है। फ्रेंड्स, अगर मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही था, गुड बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।